आज वहां अरबों रुपए की लागत से वहां विकास हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी उस गांव से बिलोंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि यहां मेरे बंगले बन जाएंगे, यहां विकास होगा, इंडस्ट्री होगी, सब कुछ होगा, लेकिन होगा तब जब आप कामयाबी की तरफ खुद को ले चलेंगे। मुझे नहीं, खुद को आप अपनी कामयाबी की तरफ ले चलेंगे। साथियों, मैं सिर्फ कुछ सवाल आपसे करूंगा, वो पूछूंगा, मर्जी आपकी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता पार्टी सेकुलर कोई फ्रॉड पार्टी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन पार्टी है और उसका प्रूफ ये है हमारे पास, जो भारत निर्वाचन आयोग का लेटर हमें मिला है, इसकी दो चार लाइन में आपको पढ़कर बता भी दूंगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो कैसे मिला है, ऐसा नहीं कि हमने बना ली और हम बहकाते फिर लोगों को। पार्टी बनती है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के एक्ट के तहत कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप पार्टी का नाम रख के प्रचार न कर सकते हो या मैदान में ना जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, आप पार्टी का नाम रख के झंडा बना के प्रचार कर सकते हैं, जा सकते हैं, कोई इस पर रोक नहीं है। कोई भारत का ऐसा आदमी है, ऐसा कानून उसे रोक नहीं सकता। लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि ना तो आपका नाम कोई दूसरा ले सकता है, उस नाम से कोई पार्टी दूसरी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती और ना ही उसका चुनाव चिन्ह ले सकता है। जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, चुनाव से पहले उसे चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है। इसमें लिखा है कुछ जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सेवा अध्यक्ष महोदय, विषय राष्ट्रीय एकता पार्टी सेवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में। महोदय, निर्देश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय एकता पार्टी सेकुलर का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक 13/12/2013 के आवेदन, यानी कि 13/12/13 दिसंबर 2013 को हमने जो है एप्लीकेशन दी थी निर्वाचन आयोग में, उसमें लिखा है आवेदन 13/12/2013 के आवेदन उक्त आवेदन पत्र में विवरण प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में दिनांक 24/3/2013